23 मार्च को शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव व शहीद राजगुरु ने हंसते हंसते भारत देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। वहीं इस 23 मार्च को इसी रूप में हर साल शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं आज शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव व शहीद राजगुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए चंडीगढ़ के लोगों की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो चलिए आपको सुनाते हैं चंडीगढ़ के लोगों का क्या कुछ कहना है शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव व शहीद राजगुरु को लेकर। जहाँ तक कि लोगों का कहना है कि अभी तक उन्हें सरकार की ओर से शहीदी का दर्जा नहीं दिया गया है। तो चलिए आपको सुनाते हैं। कि जब 17 साल की उम्र में भगत सिंह जी फांसी पे हंसते हंसते चढ़ गए थे तो उनको किस चीज़ का ईगो है? वो क्यों खामखामे एक क्या बोलूँ बस मैं है? तो उनके उनको है कि हम तो यही चाहते हैं कि आज वाले दिन वो तीनों कानून काले कानून वापस ले ले तो हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा हो। श्रद्धांजलि देने के तौर पर सारे इकट्ठे हुए नाल असी वो दसना चाहते हैं मौजूदा सरकार नू कि असी उस कौम असी उस राज असी उस दे असी उस कौम तो रेट करते हैं जिथे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव वर्गे योद्धिया दे नाल असी उन्होंने साडा देश बचाया। अज उही योद्धिया दी कौम नूं खालिस्तानी कहा जा रहा है। उन्होंने असी लानत देन वास्ते अज असी इकट्ठे होए हां। उन्होंने काला कानून जिहड़ा अज उन्होंने लागू किया है असी उन्होंने मुर रख के आज शहीदां नूं मुर रख के असी दसना चाहते हैं असी उस कौम दे हैगे आ असी एक कानून रद्द ते वापस करा के। भगत सिंह मतलब असी ये कहांगे उन्हों कि उदे करके जो ये सब हो रहा है मतलब सारी मतलब आज़ादी मिली है सानू उदे करके मिली है ते जिहड़े आ तीन काले कानून है इस करके हुण खड़े आ सारे जाने तां उस दे पिछे मैं तीन चार लाइनां भी लिखी हुई हैं जिद्दां बहुत लाइनां मैं लिखदा रहिंदा। हाँ सुना दिंदा जी।